हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ द मलंग मैन। कैसे हैं आप सभी? लद्दाख जर्नी के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सो बने रहना एंड तक, व्लॉग को पूरा जरूर देखना क्योंकि बहुत मजा आएगा आप लोगों को। सो विद दैट सेड, चलिए एक और नए सफर का आगाज करते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो एंड कॉमेंट करके बताओ कि ये सीरीज कैसी लग रही है, ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो जरूर करके दिखाओ। नीचे लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर दो एंड एंजॉय द सीरीज, एंजॉय द चैनल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिछले वीडियो में आपने देखा कि तांगलांगला तक हम लोग पहुंचे। वहां पे हमने एंजॉय किया। तांगलांगला इज द 12th हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। फिर वहां से हम लोग गए मोरे प्लेन्स। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी है देन प्लीज प्लीज जाके देखो। बहुत ही खूबसूरत व्यू था मोरे प्लेन्स का भी और तांगलांगला का भी। मतलब लद्दाख ना अपने आप में एक अलग ही जगह महसूस होती थी। तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम ऑलमोस्ट पांग तक पहुंच ही गए थे। अब देखते हैं कि क्या हम पांग में स्टे लेंगे कि नहीं लेंगे या आगे हम बढ़ जाएंगे। एंड ध्यान रखना कि वीडियोस भले मैंने डिवाइड कर दी थी, बट हारू से डायरेक्टली अभी सफ़र अपना जारी है। अभी हम लोग बीच में कहीं भी रुके नहीं हैं। रात के लिए बस वीडियोस को डिवाइड किया गया था। तो पांग हम लोग शाम तक पहुँच गए। अब देखते हैं आगे हम लोग कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। तो पांग ये आने वाला है बस 500 मीटर और सामने आपको दिखने लगेगा पांग। बहुत ठंड हो रही है, धूप आ रही है, बट धूप का कोई असर नहीं हो रहा है। बहुत तेज़ एकदम बर्फ़ जैसी हवाएं चल रही हैं, बर्फ़ जैसी। ये रहा पांग। काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे, देखते हैं। अब यहाँ पे रूम बढ़िया सा कहीं पे है ना, और फिर आपको अपडेट देते हैं। ओ यार, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की मोबाइल वैन है रिपेयरिंग वाली पांग में। मैं सोच रहा हूँ अगर ये वाला बोल्ट मिल जाता है तो बढ़िया हो जाएगा है ना। बाकी पांग में तो रुकने कुछ मिला नहीं, तो सरचू की तरफ जा रहे हैं अब। A few moments later. जी, तो प्लान में एक थोड़ा सा बदलाव है। हम लोग पांग में नहीं रुक रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ सरचू, मतलब सरचू की तरफ जा रहा हूँ। या तो सरचू पहुँच जाऊँगा वहाँ रुकूँगा, नहीं तो रास्ते में कुछ बढ़िया दिख गया वहाँ रुक जाएंगे। क्योंकि रूम वूम मैंने देखे यार, मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब बेकार से रूम थे यार, मतलब सही नहीं लगा, बिल्कुल भी डिसेंट भी नहीं थे है ना। और भाई ये तो तगड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। सही है सही है, चलो आगे। लगता है कुछ क्रॉसिंग वॉसिंग है। अरे इसकी It was at this moment that he knew he fucked up. ये नदी पार करनी पड़ेगी है, देखते हैं क्या हो सकता है। Let's see. तो जाना तो पड़ेगा यहीं से ना, डीप हो या शैलो, जाना तो यहीं से पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, मैं वहाँ तक आ रहा हूँ, पहले पीछे घूम जाओ, मैं वहाँ तक आ रहा हूँ ठीक है। नदी पार करती पे अगर मैं नहीं, अगर मैं यहाँ से गया ना और मेरा बैलेंस बिगड़ा तो मैं सीधा इधर गिरूँगा ठीक है। तुम जाओ पहले। हाँ ओ ओ भाई। A few moments later. Yeah.
भाई साहब नदी पार करनी पड़ रही है। या आई विल टेक इट फ्रॉम द मिडिल, आई विल टेक इट। यस 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 आई नो बट इट्स अ चांस आई हैव टू टेक ना। आऊं? हाँ आ जाएगी। Let's go! Woo! Yeah. Better? Yes. Yes. No, not so deeper. Yeah, it's not so deep. Okay. I will try now. Yeah. Take care, okay? भाई साहब ओ कर लिया भाई, नदी पार कर ली पूरी। लोगों ने देखा तुम्हारा भाई कितना स्किल्ड है। भाई साहब एक ही बार मैं पार करा दी। अरे भाई मैं डीप था भाई, वो बहुत डीप था, कम से कम घुटने तक पानी आने वाला था ऑलमोस्ट, इतना डीप तो था ही वो। हो भाई पर भाई मज़े आ गए। सिंपल सी टेक्निक थी, मोमेंटम बनाया, हैंडल को मैंने ढीला रखा, हल्का इधर उधर जा रहा था मैंने जाने दिया और बस उसको हैंडल को पकड़ के रखा, बस यही टेक्निक है। भाई लोग ये देख लो, पांग के बाद ऐसा रास्ता है, ये 30-40 किलोमीटर तक ऐसा ही रहेगा, तो देख लेना। भाई अपना आईफोन लगाए हुए हैं हेलमेट माउंट पे, आए आगे मजे आएंगे इनको। एक और नदी क्रॉसिंग, ऊपर का ब्रिज गड़बड़ है। अरे ये तो ठीक ही था, असली वाला तो भाई पीछे वाला था, तगड़ा था भाई वो, तगड़ा। अपांग के बाद यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर का ख़राब रास्ता शुरू हो चुका है और एक और नया चैलेंज हम लोग के लिए। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, और ये देखो इधर यहाँ पे सीन भाई, ट्रक वो एकदम एज पे लटका हुआ है। इन लोग को निकल जाने देते हैं पहले, फिर चलेंगे। A few moments later. आगे रास्ता कहाँ तक खराब है? रास्ता कहाँ तक खराब है? ऐसा ही है। अच्छा 20-25 किलोमीटर, चलो कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा। मगर मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा? अरे खराब रास्ते और हमारा तो दूर दूर का रिश्ता है।
नदी के और खूबसूरत सी शाम हो रही है लद्दाख में। सरचू रह गया यहाँ से 59 किलोमीटर्स, 9 बजे तक का टाइम बता रहा है। कोई बात नहीं, आराम आराम से पहुँच जाएंगे। अब ये पॉइंट आते आते रात होनी शुरू हो गई थी और लद्दाख में रात ऐसी होती है कि पिच ब्लैक होता है, कहीं दिखाई नहीं देता है क्योंकि कोई स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल नहीं होती। खासकर अगर आप ऐसे रिमोट एरियाज में ट्रैवल कर रहे हो, आप देख ही सकते हो आसपास कोई नहीं है, सिर्फ कुछ गाड़ियां आपको दिख रही होंगी। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम फटाफट सरचू पहुँचने की कोशिश करते हैं क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, टेम्परेचर भी बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो रहा था क्योंकि अब एकदम पास के पास आ रहे थे वो भी अगर आप देखोगे। एंड फाइनली हम लोग नीचे उतर के खाटा लूप से होते हुए सरचू पहुँचे, जो कि अभी भी हमको कम से कम 2 घंटा लगता। तो एक अनकॉल्ड सा एडवेंचर हो गया, बट ये आप ट्राई मत करना अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो। पास 16,116 फीट ला चुंग ला। हा, 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 हा। लो भाई रात हो गई, पहुँचते पहुँचते क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है तो सारे ट्रक्स को मैंने आगे जाने था, जारी है अब भी ख़राब रास्ता जारी है। इसके बाद आएगा घाटा लूप्स, वहाँ से रास्ता सही होगा, वहाँ से थोड़ा स्पीड। हाँ जी, फाइनली वी हैव रीच सरचू। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग राइड रही, बहुत मज़ा आया भाई। जो रिवर क्रॉसिंग करी है ना इसके साथ, जो रिवर क्रॉसिंग करी है मैं बता नहीं सकता यार। रिवर क्रॉसिंग भाई, बाजा बज गया था हम लोग का बाजा, और भाई जो अल्टीमेट लेवल की मज़ा आई ना, बस वह शब्द रही मेरे पास। तो ये है अपना टेंट सरचू में, यहाँ पे चलो अब अंदर चलते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं और फिर फाइनल आपसे बात करेंगे। तो हाँ जी, फाइनली पहुँच गए, रूम शूम सब ले लिया, खाना वाना भी हो गया। बहुत ठंड है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। आई होप आप लोग, आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, गो अहेड एंड सब्सक्राइब। अल्टीमेट एडवेंचर जिसे कहते हैं ना, वो हुआ है आज। प्लीज़ यार इस पैशन को, इस मेहनत को सपोर्ट करें। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राइड सेफ, लव यू ऑल। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जब मैं आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अंदर से। इस ऊपर वाले लिंक को क्लिक करके आप लद्दाख की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पे मेरी बाइक से रिलेटेड जो मैंने मॉडिफिकेशन कराया वो भी देख सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूँ आपका मलंग मैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।